हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ इंक्लोटेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स 60,000, 60,000 डेप्रिसिएशन लगाया गया है फिक्स्ड एसेट पे। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया 5% के प्रीमियम पे। ओके, पॉइंट थर्ड, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया, एडिशनल डिबेंचर्स इशू किए, मतलब पहले से कुछ था, 1 अक्टूबर को कंपनी ने और डिबेंचर्स इशू किए। पॉइंट फोर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज पेड एट द रेट 8%। इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रपोज डिविडेंड पे किया गया। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जिस ईयर अनाउंस करती है कि हमें डिविडेंड पे करना है, उस ईयर पे नहीं करती, उसके नेक्स्ट ईयर पे करती है। ओके, तो अगर कंपनी 2018 में पे कर रही है तो उसका अनाउंसमेंट कंपनी ने 2017 में कर दिया होगा। ओके, तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा हम लास्ट ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया आपको, क्वेश्चन था ये, अब देखिए इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया ना, इसका कैलकुलेशन हम अलग से वर्किंग नोट में करते हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहले इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लिखेंगे, उसमें हम रिजर्व्स को ऐड करते हैं, डिविडेंड को ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करते हैं, एंड अगर रिफंड ऑफ टैक्स गिवन हो तो उसे हम लेस करते हैं उसमें से। तो देखिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में आपके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए, बैलेंस शीट में प्रॉफिट अमाउंट कहाँ होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ना, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट बैलेंस होता है। तो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें क्या क्या है, देखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस देखते हैं, लास्ट ईयर वैल्यू है ब्रैकेट में 1 लाख, मतलब लॉस हुआ होगा लास्ट ईयर, एंड करंट ईयर का वैल्यू है 1 लाख। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। करंट ईयर वैल्यू कितना था, 1 लाख, करंट ईयर पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव हुआ होगा, माइनस लास्ट ईयर वाला बैलेंस ब्रैकेट में है, मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। तो सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आया 2 लाख, उसके बाद उसमें हम रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स को। तो देखिए कंपनी ने कितना ट्रांसफर किया, सबसे पहले यहां लिखेंगे ऐड, यहां पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया हुआ है, लास्ट ईयर वैल्यू 0 थी, करंट ईयर वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हुई है, मतलब 1 लाख कंपनी ने ट्रांसफर किया है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ऐड कर लेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख, उसके बाद जनरल रिजर्व देखेंगे, ऐड
जनरल रिजर्व। लास्ट ईयर वैल्यू देखिए जनरल रिजर्व का 1 लाख था, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज होके 1,35,000 हो गई, मतलब 35,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट में से निकाल के 35,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तभी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो इस 35,000 को यहां पे हम ऐड कर देंगे, ये हो गया। इसमें हम डिविडेंड को भी ऐड करते हैं ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोपोज डिविडेंड दिया गया है, यहां लिखा हुआ है ना प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 8% के हिसाब से इन्हें डिविडेंड दिया गया है। एंड प्रोपोज डिविडेंड है तो किस पे कैलकुलेट होगा, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल का लिखा हुआ है। लास्ट ईयर वैल्यू था 4,50,000, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज हो गई 5 लाख हो गई। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कंपनी ने और इक्विटी शेयर इश्यू किया है। तो देखिए वो तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, अभी हमें डिविडेंड देखना है ना। 2017 वाले अमाउंट पे हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड है, तो लास्ट ईयर वाले अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4,50,000 का 8% कितना हो जाएगा, 4,50,000 इंटू 8/100, इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 36,000। प्रपोज डिविडेंड को हम ऐड करते हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड 36,000। इंटरिम डिविडेंड को भी हम ऐड करते हैं ना, इंटरिम डिविडेंड किसे कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, तो उसे भी हम ऐड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर को इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, क्वेश्चन में आपके गिवन नहीं है बट प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन ना भी हो फिर भी आपको इंटरिम डिविडेंड की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके जैसे डिबेंचर्स पे यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिबेंचर्स पे उनके साथ रेट दिया होता है ना, तो ये इंटरेस्ट रेट कहलाता है ना, वैसे प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट दिया होता है वो उनका डिविडेंड रेट कहलाता है। ओके तो यहाँ पे 2017 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख, एंड 18 में कितना है, 2 लाख। और यहाँ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि 2018 के एंड में कंपनी ने रिडीम किया है, कितना रिडीम, कितना पेमेंट किया है, तो वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है, 1 लाख से ना, ईयर के एंड में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है तो पूरे साल कंपनी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर होगा, 3 लाख। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2017 एंड 2018 क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कंपनी के पास 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था। ओके ईयर के एंड में कंपनी ने उसमें से 1 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, तो पूरे साल कंपनी के पास कितना था, 3 लाख था ना, तो 3 लाख पे कंपनी ने डिविडेंड पे किया होगा कितने रेट से, तो प्रेफरेंस शेयर के आगे रेट दिया होता है 5% दिया होने, तो 3 लाख का हम 5% कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। यहां लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड ईयर के मिडिल में कंपनी पे करती है 15,000, हो गया। इसे आप ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 35,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 3,86,000, हो गया। इसकी एंट्री हम करेंगे यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3,86,000, ये हो गया। इसके बाद इसमें हम नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो वो कर लेंगे, पहले लिख लेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। तो क्या क्या आ जाएगा उसमें देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम में आता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। 60,000 डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, यहां लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन
60,000। उसके बाद स्टूडेंट्स कंपनी ने प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो एक तरीके का ये लॉस है, कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है। कितना प्रीमियम रिडीम किया है कंपनी ने, यहाँ देखिए 3 लाख से वैल्यू 2 लाख हो गए, मतलब 1 लाख का कंपनी ने रिडीम किया है। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 5% कैलकुलेट करिए, 5,000 होगा ना, मतलब कंपनी ने 5,000 एक्स्ट्रा पे किया है। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो ये 5,000 मतलब उसपे 5,000 का प्रीमियम लगा, प्रीमियम एक्सपेंस हो जाएगा, एक तरीके का लॉस है ये। लॉसेस को हम ऐड करते हैं, तो इसे भी हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, वो भी एक्सपेंस हो रहा है, तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1st October 2017 लिखा हुआ है, 1st October 2017 को कंपनी ने एक्स्ट्रा और डिबेंचर इश्यू किया, तो उससे पहले कंपनी के पास कितना डिबेंचर था, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स 2017 में यहाँ पे 2 लाख दिया हुआ है ना, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना कंपनी के पास 2 लाख डिबेंचर था, तो 6 महीने कंपनी ने 2 लाख पे इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट रेट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ डिबेंचर के आगे 8% के हिसाब से कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 2 लाख का 8% देखिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख इंटू 6/12, 6 महीना ही कंपनी के पास 2 लाख डिबेंचर था, 6 महीने के बाद कंपनी ने और डिबेंचर्स इशू कर लिए, तो पहले के 6 मंथ में कंपनी ने 2 लाख पे इंटरेस्ट पे किया होगा 8% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 = 12, 2 × 2 = 24, 8 8,000 आया। उसके बाद 6 महीने के बाद कंपनी ने और डिबेंचर इशू कर लिया, 1 लाख और डिबेंचर इशू कर लिया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 3 लाख। 1st October को कंपनी ने डिबेंचर इशू कर लिया, तो 1st October के बाद कंपनी 3 लाख पे इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो 3 लाख का 8% कितना हो जाएगा देखिए, 3 लाख इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, मार्च तक पे करेगी 6/12, पूरे साल कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो पहले के 6 महीने कंपनी ने 8,000 पे किया, उसके बाद कंपनी कितना पे करेगी देखिए, 12,000 दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 20,000, पूरे साल कंपनी ने 20,000 इंटरेस्ट पे किया है, तो ये एक्सपेंस है, तो इसे हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट पेड ट्वेंटी थाउजेंड, ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट में गुडविल का वैल्यू लास्ट ईयर 20,000 था एंड करंट ईयर वैल्यू 0 हो गई, मैंने आपको बताया था ना जब गुडविल की वैल्यू कम हो जाए डिक्रीज हो जाए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इसका मतलब होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, एंड जब वैल्यू इंक्रीज हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो यहाँ पे 20,000 से गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एक तरीके का लॉस है ये, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे गुडविल 20,000।
हो गया। टोटल करिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ लिख लूँ, 3,86,000, एंड नॉन कैश आइटम्स को हम टोटल कर लेंगे तो 60,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 1,05,000। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेंगे अब, 3,86,000 प्लस 1,05,000, ये हो जाएगा 4,91,000। ये क्या आया आपका, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 4,91,000। इसके बाद हम करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो यहां देखिए करंट एसेट लास्ट ईयर वैल्यू था 3,40,000, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज होके 4,20,000 हो गई, वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो जब करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं, कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है माइनस करके देखिए 4,20,000 माइनस 3,40,000, एट्टी थाउजेंड से वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो लेस करेंगे, यहां लिखेंगे लेस, करंट एसेट ब्रैकेट में हो जाएगा 80,000, यहां पे भी हो जाएगा 80,000 क्योंकि सिर्फ एक ही करंट एसेट दिया हुआ है, तो टोटल भी कर लेंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी में देखिए, लास्ट ईयर वैल्यू था 1,10,000, करंट ईयर वैल्यू डिक्रीज होके 70,000 हो गई, 40,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं, तो इसे भी हम लेस कर देंगे, यहां लिखेंगे लेस करंट लायबिलिटी फोर्टी थाउजेंड, वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऐड क्यों करते हैं, डिक्रीज होती है तो लेस क्यों करते हैं, इन सबका रीजंस के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो पीछे के वीडियोस भी आप लोग सारे देखना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे क्लियरली। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 40,000, इसे टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, 4,91,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 3,71,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,71,000। ओके, इसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहां लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसे, यहां पे देखिए शेयर कैपिटल में लास्ट ईयर वैल्यू था 7,50,000, करंट ईयर वैल्यू डिक्रीज होके 7 लाख हो गई, ये तो टोटल था। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, तो यहां से हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर वैल्यू थी 4,50,000, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज होके 5 लाख हो गई, मतलब कंपनी ने और इक्विटी शेयर इशू किया है। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो इनफ्लो होता है, इनफ्लोज को हम ऐड करते हैं, इसलिए इसे हम ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर 50,000,
ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, 3 लाख से वैल्यू 3 लाख से वैल्यू 2 लाख हुई है। एंड यहाँ पे आपके गिवन भी कंपनी ने रिडीम किया है प्रीमियम पे, तो 1 लाख की जगह कंपनी को 1,05,000 का पेमेंट करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम पे रिडीम किया था। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है ना, 1,05,000 का कंपनी ने पेमेंट किया होगा तो आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो को हम लेस करते हैं तो इसे हम लेस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 5% प्रेफरेंस शेयर ₹1,05,000, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स डिबेंचर्स को देख लीजिए, लास्ट ईयर वैल्यू था 2 लाख, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज होके 3 लाख हो गई, मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। यहाँ आपके गिवन भी है, कंपनी ने 1 अक्टूबर 2017 को डिबेंचर इश्यू किया, तो कंपनी ने कितना डिबेंचर इश्यू किया है, 1 लाख, 1 लाख से वैल्यू इंक्रीज हुई है तो 1 लाख कंपनी ने इश्यू किया है। यहाँ लिखेंगे 8% डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग पूरा पूरा भी लिख लेना, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सब भी लिख लेना। ओके कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किया है तो इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो को हम ऐड करते हैं इसलिए इसे भी हम ऐड करेंगे। यहां तक का समझ में आया। उसके बाद कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड भी पे किया है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है, प्रपोज डिविडेंड मैंने कैलकुलेट किया था ना, तो इक्विटी शेयर्स को पे करिए। एंड मैंने आपको बताया था ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसके साथ साथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट की भी एंट्री हम इसमें करते हैं। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया गया है तो उसकी एंट्री करेंगे, डिविडेंड पेड 36,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पे किया गया है, या आप लोग लिख लीजिए डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स एंड डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर को कितना पे किया गया है, 15,000 मैंने कैलकुलेट करके पहले आपको दिखाया है, तो यहां हम डायरेक्ट लिखेंगे 15,000। उसके बाद कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे किया है तो उसकी भी एंट्री कर लेंगे, इंटरेस्ट पेड 20,000, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 20,000। एंड ये तीनों अमाउंट ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि कंपनी पे कर रही है, आउटफ्लो हो रहा है तो ये सब लेस हो जाएगा। अब टोटल करिए आप लोग, प्लस 50,000 माइनस 1,05,000 प्लस 1 लाख माइनस 36,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, ये टोटल करिए, ये हो जाएगा माइनस 26,000, नेगेटिव बैलेंस आएगा, ये हो जाएगा माइनस 26,000। एंड यहां लिखेंगे कैश यूज्ड इन, क्योंकि नेगेटिव आया तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, ओके क्वेश्चन नंबर 28 हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।